सिट्टू के जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य रविकांत का कहना है कि पद्दर और नराला में एसडीएम द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिन रेडी फेड़ी वालों को उठाया गया है, इस कार्रवाई की सिट्टू कड़े शब्दों में निंदा करता है। रविकांत का कहना है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अनुसार किसी को अगर हटाना है तो पहले उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो लोग रेडी और फेड़ी लगाते थे उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी, प्रशासन ने अगर उन्हें हटाना ही था तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहती। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि शीघ्र ही रेडी फेड़ी वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित सभी गरीब लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। ये जो रेड़ी वाले या जो भी है कोखे वाले पत्थर उपमंडल से जो बाजार में ऊपर बस स्टैंड के पास जो रेड़ियाँ और खोखे थे उनको प्रशासन ने अभी कोरोना के चलते यहाँ से हटा दिया गया, तो क्या ये जायज़ है कि इस समय ही इन पर कार्रवाई की जाए? जैसे कोरोना जैसे वायरस को लेके एक तो ये इनके खोखे भी बंद हैं, रेड़ियाँ बंद हैं और ज़रूरतमंद चीज़ें जो यहाँ से लोग ले जाते थे, और वैसे भी आजकल तो कोरोना के वजह से बंद है, फिर भी कोरोना के बीच में इन खोखों और रेड़ियों को हटा देना क्या आवश्यक है आपके इसमें? मेरा ये मानना है और CITU का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी प्रशासन से मांग भी रहेगी कि हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना है उस एक्ट के चलते जो भी हमारे देश के अंदर रेड़ी और फाड़ी चलाता है और अपना स्वरोजगार चलाता है उसको हटाने से पहले कानून में ये जरूरी है कि उसका वैकल्पिक प्रावधान किया जाए। और प्रशासन ने चाहे वो पद्दर के अंदर या नारला के अंदर जिन खोखे वालों को, रेड़ी वालों को, फाड़ी वालों को हटाया है, उनका जो रोजगार छीना है, हम यूनियन की तरफ से उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हमारी मांग रहेगी प्रशासन से कि उन लोगों को जो है वैकल्पिक जो प्रावधान कानून के अंदर है वो किया जाए ताकि उनका जो स्वरोजगार है वो चल सके। दूसरा मेरा ये भी कहना है कि कोरोना महामारी के चलते जहां एक तरफ इस बीमारी का संकट है, दूसरी तरफ जो भूख का संकट भी है, क्योंकि जो रोजाना जो सब्जी बेचकर अपनी फड़ी लगाकर, रेड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इसलिए मेरी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि उनको शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनको बसाया जाए, उनका वैकल्पिक प्रावधान किया जाए, अन्यथा जो है प्रशासन जो है उनका वैकल्पिक प्रावधान नहीं करेगा तो यूनियन जो है फिर आंदोलन का रास्ता भी अपना सकती है।